के करें बदकाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया पर कल्याणी महाजन के साथ अभी के ताजा तरीन हालात। कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव के पक्ष में प्रचार करने नेपानगर आ रहे सिद्धू, 11 मई को अरुण यादव के पक्ष में मांगेंगे वोट। सपा प्रत्याशी आनंद सेन ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि प्रशासन गलत तरीके से मुकदमे पंजीकृत कर दबिश के नाम पर कार्यकर्ताओं को कर रहा है प्रताड़ित। रुदौली तहसील के पूरे सिकदारी के जंगल में अज्ञात कारणों से लगी आग, सैकड़ों बीघा जंगल में आग में जलकर हुआ खाक। लोकसभा चुनाव के तहत कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव के पक्ष में प्रचार करने नवजोत सिंह सिद्धू नेपानगर आ रहे हैं। 11 मई को होने वाली सभा में वो अरुण यादव के पक्ष में मतदाताओं से वोट मांगेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय उदासी ने फेसबुक पर सिद्धू के आने की सूचना पोस्ट की। इस पर अक्षय कुमार प्रजापति नामक व्यक्ति ने सिद्धू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। टिप्पणी के बाद अजय उदासी ने जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस को शिकायत कर दी। क्या है कि हमारे सिद्धू चूंकि हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। क्या विवाद हुआ, क्या शिकायत मिली, क्या पुलिस ने कहा? एक थाना शाहपुर क्षेत्र में एक फूफनार क्षेत्र का अक्षय कुमार पिता गोपाल प्रजापति है, इनके द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे कमेंट्स किए गए थे जिसमें वो धमकी भरे हैं, और चूँकि इसमें आदर्श आचार संहिता लागू है, पूर्व में आदेश भी उसमें जारी किए गए हैं कि ऐसे कोई इस तरीके की चीज़ें उस पर सोशल मीडिया पर ना अपलोड करें। उसी को संज्ञान में आने पर उसमें 188 और 506 के अंतर्गत FIR की है और आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए आरोपी युवक के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। ब्रानपुर से तफजुल हुसैन मुलायम वाला की रिपोर्ट। अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सपा प्रत्याशी आनंद सेन ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन गलत तरीके से मुकदमे पंजीकृत कर दबिश के नाम पर पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहा है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आनंद सेन ने खांडसा और पूरा कलंदर थानों में दर्ज हुए मुकदमे का जिक्र किया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आनंद सेन का आरोप है कि मतदान के एक दिन पूर्व थाना खांडसा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शराब के वितरण को रोकने पर उल्टा उन्हीं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवा दिया। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि मतदान के एक दिन पूर्व और मतदान की रात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या और नेताओं ने मिल करके योजनाबद्ध तरीके से मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम किया, उनको शराब बांटने का काम किया, उनको कपड़े बांटने का काम किया और उसके साथ साथ नकदी भी देने का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने जब इसका विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से हमारे तमाम कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कराने का काम किया गया। दूसरी घटना में मतदान के दिन भाजपा प्रत्याशी द्वारा बूथ पर जाने का विरोध करने पर सपा के कार्यकर्ताओं पर लूट का मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। रुदौली तहसील के पूरे सिकदारी के जंगल में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग में सैकड़ों बीघा जंगल जलकर खाक हो गया। रुदौली के पूरे सिकदारी के जंगल में आग की लपटें उठने से आसपास के गांव में भी अफरा तफरी मच गई। आग लगने से पेड़ पौधे धू धू कर जलने लगे। देखते ही देखते आग ने कुटिया, रामपुर, नए पुरवा, कलापुर के जंगलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। 10 किलोमीटर तक फैली आग में करीब 100 बीघा का क्षेत्र जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर भीषण आग पर काबू पाया। रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। सुल्तानपुर लोकसभा बसपा प्रत्याशी चंद्रभद्र सिंह के समर्थन में उनके भाई यशभद्र सिंह भी उतर आए हैं। यशभद्र सिंह ने बल्दीराय क्षेत्र के गांव में नुक्कड़ सभा कर अपने भाई के पक्ष में वोट मांगे। सबसे पहले यशभद्र सिंह का कारवा इसौली विधानसभा के सैनी गांव पहुंचा। यहां कस्बे वासियों ने
फूल मालाओं से यशभद्र का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने नुक्कड़ सभा में उपस्थित जनता से कहा कि सभी को एक साथ लेकर चलने का हमारा वादा है। भाजपा प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए यशभद्र ने कहा कि वह नफरत फैलाने वाली राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और चंद्रभद्र सिंह को भारी मतों से विजय बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। सीहोर में परशुराम जयंती के अवसर पर धर्मशाला से चल समारोह निकाला गया। समारोह में काफी संख्या में ब्राह्मण समाज उपस्थित रहा। समारोह का आमजन ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। समारोह के बाद भगवान परशुराम की आरती की गई, जिसके बाद सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। आयोजन में हजारों की संख्या में सर्व ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित रहे। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। तो अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश। करें मतदान।